हाय गाइस, तो यहाँ पर मैं रेडी हुई हूँ मंदिर जाने के लिए और आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने थाली भी रेडी कर चुकी है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिचेश मेरा ब्लॉग और मैं हूँ रिचा। तो हम जा रहे हैं राजनांदगांव पताल भैरवी माता जी के मंदिर। तो गाइस, जो मेरा ब्लॉग देखते हैं उनको तो पता ही होगा कि जब हमने कार ली थी तो हम गए हुए थे राजनांदगांव पताल भैरवी माता जी के मंदिर, बट उस समय सावन नहीं लगा हुआ था। और मैं आपको लोगों को एक बात बता देती हूँ कि हम हर साल सावन में पताल भैरवी माता जी के मंदिर जाते हैं, और सिर्फ एक बार ही नहीं, हम दो बार भी चले जाते हैं। और पताल भैरवी माता जी के मंदिर जाने का मेन रीज़न हमारा ये भी रहता है क्योंकि शिव जी के जितने भी रूप हैं, उनके जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं, उन सारे रूपों का दर्शन हमारा एक साथ हो जाता है। हम घर के पास के मंदिर भी जाते हैं, बट पताल भैरवी माता जी के मंदिर सावन के समय तो स्पेशली हम जाते ही हैं। इस बार 2 महीने का सावन था, फिर भी हम एक बार भी सावन में नहीं जा पाए थे। तो सावन का लास्ट सोमवार था, इसलिए हमारा जाना ज़रूरी था। वैसे तो दुर्ग से राजनांदगांव ज़्यादा दूर नहीं है, बट जाते समय हमारी बहुत सारी मस्तियाँ हो जाती हैं, बहुत सारी बातें हो जाती हैं। तो फाइनली हम मंदिर पहुँचने वाले हैं। हमें लगा था कि शाम के समय सोमवार को मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, बट उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, बट थोड़ी सी ही भीड़ थी। तो गाइज, हमने बहुत ही अच्छे से दर्शन कर लिया और हमने पूजा भी बहुत अच्छे से कर ली। अब हम घर जा रहे हैं वापस। और गाइज, मैंने मंदिर का व्लॉग पहले ही बना लिया है, तो इसलिए मैंने इस बार कोई भी व्लॉग नहीं बनाया, बट थोड़ी सी क्लिप आप लोगों के साथ शेयर कर ली है। हमने मंदिर में हमारी एक दो फोटो भी क्लिक की थी जो कि आप देख सकते हो। उसके बाद रास्ते से हमने खाया गुपचुप, भेल, पापड़ी चाट। आई होप गाइस कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ रिचेश मेहरा व्लॉग। बाय गाइस।